नमस्कार, मैं हूं राघवंत द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कल यानी 19 अक्टूबर को भारत बनाम बांग्लादेश का मैच है और इसके पहले अगर आप नज़र डालें तो ये तस्वीर उभर कर सामने आई है कि जो बड़ी मजबूत टीमें थीं उनको दो अपेक्षाकृत कमज़ोर टीमों ने हरा दिया। यानी इंग्लैंड जो मौजूदा चैंपियन है उसको अफगानिस्तान ने हराया है और जो न्यूजीलैंड उसको साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने हराया है। कल की मैच पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कलीग हैं हरिशंकर जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह के उलटफेर हुए हैं, सामने आई है तस्वीर, भारत को कैसे लेना चाहिए, क्या सबक सीखना चाहिए? कि भारत जो है वो पेशेवर टीम है। शुरू से ही भारत इस चीज़ को लेकर के चला है कि वो पेशेवर की तरह हमारे सारे खिलाड़ी थे, तो हम कहीं ना कहीं अपनी तैयारी तो हमारी है ही और वो रिकॉर्ड भी बता रहा है। पिछले जो हमारे प्रदर्शन रहे हैं बहुत ही शानदार रहे हैं और इस बार टीम पूरी लय में है। पूरी टीम लगता है कि वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं और उसी जज्बे उसी हौसले के साथ खेल रहे हैं। तो कल ठीक है बांग्लादेश के साथ कल का मैच है, लेकिन भारत की टीम कभी भी उस तरीके से उसको नहीं लेगी कि ये कमज़ोर टीम है हम आराम से जीत जाएंगे चाहे कम स्कोर पर इसको। ये भारत कभी भी छोटी टीमों को हल्के में नहीं लेती और ये भारत की सबसे खासियत है। उलटफेर तो हुए हैं कई सारे, लेकिन भारत को के लिए सबक भी है। और दूसरा, ये टीम कभी भी किसी टीम को हमने तो नहीं देखा और वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आप जाते हैं कि हम इतने समय में इतना ही स्कोर कर लेंगे, 150 में ढेर कर देंगे, हम 500 बना लेंगे, लेकिन जब मैदान में जाते हैं परफॉर्म करने की बात आती है तो वर्ल्ड कप में हर टीम कहीं ना कहीं एक अंडर प्रेशर में रहती है, लेकिन उसी से उबर के आपको आगे बढ़ना है और विनर बनना है। आपकी बात ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों टीमें, चाहे इंग्लैंड हो या वो साउथ अफ्रीका हो, उसी की शिकार हुई है ओवर कॉन्फिडेंस की। बिल्कुल उसी की शिकार हुई है और वो शेर और कछुए वाली कहानी जो हमने बचपन में पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, ठीक वैसा ही हुआ है। उनकी बल्लेबाजी का क्रम देखें तो जो बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन थे उन्होंने भी अपना बेस्ट नहीं दिया इस मैच में, और एक तरीके से लग रहा था कि एक जो दो मतलब दो चार पाँच साल पहले से खेलने वाली नई टीम है वो वर्ल्ड क्लास टीम बन के मैदान में उतरी है, वैसा देख उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि आज साउथ अफ्रीका, शुरू में लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें नई होने वाली है और ऐसा ही हुआ। और खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, पता नहीं साउथ अफ्रीका के इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं उनका कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया अचानक से, और उसी का नतीजा जो आपने देखा कि फेरबदल हुआ इतना बड़ा। विकास, आपसे जानना चाहेंगे पुणे में कल मैच होगा, कैसी पिच है वहाँ की, क्या बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा या बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा और क्या स्थिति बन सकती है कल के मैच में? पुणे की जहाँ तक बात है तो पुणे में अब तक 7 वनडे मैच खेले गए हैं और सभी में 300 प्लस रन बने हैं। ऐसे में ये उम्मीद है कि रन पिच पर बनेगी और बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार पिच है। यहाँ पे गेंदबाजों को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला है, तो रन 300 प्लस जाएगा और मैच में इंडिया की होने की उम्मीद है। बैटिंग पिच है, बल्लेबाजों को सपोर्ट करेगी जैसा विकास कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है बड़ा स्कोर कल दिखाई देगा। इंडिया एक पहाड़ जैसा स्कोर अगर खड़ा करे तो कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश को हल्के में नहीं आंकना है, लेकिन बांग्लादेश अभी ओवर कॉन्फिडेंट है, खासकर अगर बात करें उनके कप्तान की, शाकिब की। दूसरा, ये प्लेटफॉर्म जो है विश्व कप है, इसमें आपको कॉन्फिडेंट तो रहना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और इंडिया टीम कॉन्फिडेंट है अभी, है ना। दूसरा, हमारी टीम का जैसे बैट्समैन है शुभमन गिल, सबसे जल्दी 1500 रन बनाने वाले विश्व में शायद शुभमन गिल है। रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा ने धोनी के साथ खेला है तो धोनी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि कप्तानी कैसे करनी है, और रोहित शर्मा के निर्णय इतने सटीक बैठेंगे कल, शायद मैं और आप सभी देखेंगे। और शाकिब की कल शायद ओवर कॉन्फिडेंट जो इतने हैं वो शायद कल उनके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। हम जो कह रहे हैं कि शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, शुभमन गिल ही नहीं बल्कि जो बैटिंग लाइन है इंडिया की वाकई बेहद मजबूत है, और हम भी उम्मीद कर रहे होंगे और आप सब उम्मीद कर रहे हैं कि 300 से ज़्यादा बल्कि और उससे भी ज़्यादा एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकेगी इंडिया।
कल इंडिया को ओपनिंग लाइन जो है हमारा ओपनर बैट्समैन है उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। मध्यक्रम तो हमारा अच्छा ही है और आठवें ऑर्डर तक आठवें नंबर पर आप देखें तो सारे अच्छे बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा बल्लेबाजी का। बॉलिंग तो करेंगे ही, साथ के साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बैटिंग भी अच्छा करेंगे। इंडियन बॉलर्स की भी एक परीक्षा होगी, बैटिंग पिच जरूर है लेकिन वो भी कमाल दिखा सकते हैं क्योंकि बेहतरीन पेसर हैं अपने पास, कुलदीप यादव जैसे स्पिनर भी हैं। बिल्कुल दिखाएंगे, अभी जसप्रीत बुमराह हमारे वर्ल्ड कप में अभी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज हैं और बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना है। जिस मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया वो अफगानिस्तान टीम वर्ल्ड चैम्पियन जो पिछली बार की चैम्पियन है इंग्लैंड को हराया है, तो ऐसे में हल्के में हम नहीं ले सकते। अभी पिछले भी रिकॉर्ड देख सकते हैं और भारत को पहले भी हरा चुका है बांग्लादेश, तो हल्के में हम नहीं ले सकते। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसा हरिशंकर जी पहले भी कह रहे थे जब मैदान में आप होते हैं एक जंग होती है आप दोनों टीमों के बीच में तो एक गलती भारी पड़ जाती है, एक चूक भारी पड़ जाती है। बॉलर्स की हम बात कर रहे थे, बुमराह है ना, सिराज, ये जो क्रम है और हार्दिक पंड्या तो हैं ही, स्पिनर्स भी हैं तो ये भी अपना कमाल दिखाएंगे कल। हाँ, बुमराह की जो लाइन लेंथ है वो बड़ी कमाल की है और उनकी लाइन लेंथ को विश्व में माना जाता है। सिराज भी कल कमाल करेंगे और सिराज अच्छा कमाल करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा मैं, शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में उस तरह नहीं चले, उनका बल्ला नहीं चला जैसी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि फैक्टर हो सकता है कि बीमारी से उबर कर वो आए, बाहर निकल कर आए, लेकिन अब कल के मैच में एक बड़े स्कोर की उम्मीद है उनसे। कल मुझे लगता है कि वो शतक भी लगा सकते हैं क्योंकि शुभमन गिल पिछले मैच में आप देखें तो वो डेंगू हो गया था दरअसल उनको और प्लेटलेट्स कम हो गए थे जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और उसके 4-6 दिन बाद मैच खेलना मुझे पहले थोड़ा अचंभित लगा कि उनको कैसे मैच में खिलाया गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो पीछे रह गई बात और कल जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस से होंगे, बॉडी भी सपोर्ट करेगा और मुझे लगता है कि शुभमन गिल अपने फॉर्म में नजर आएंगे। वो क्लासिक तो खेलते ही हैं, बाकी बीच बीच में जो उनकी बेहतरीन वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी शॉट्स आते हैं वो उसका हम सभी को इंतज़ार है और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्म कर ही रही है तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं कल। उसके बाद आपको विराट कोहली का भी बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले मैच में भी दिखा था, इसमें भी, और रोहित शर्मा अगर फॉर्म में हो तो फिर तो उनके बल्ले से जो गेंद जाती है वो बाहर आपको दिखेगा कि क्या खूबसूरत उन्होंने तो क्लियर शॉट हैमरिंग किया है, बॉल पे क्या शॉट्स लगाया उन्होंने। तो पूरी टीम अच्छे फॉर्म में है और मुझे लगता है कि बांग्लादेश टीम को इतने हल्के में नहीं लेगी और पेशेवर खिलाड़ियों की तरह हम वैसे ही खेलेंगे और वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हमको किसी भी अपने मोर्चे पे कमज़ोर नहीं दिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा आपने सुना, इन सभी लोगों का ये कहना है कि कोई भी टीम सामने हो, चाहे बांग्लादेश या कोई और टीम्स हो या कोई और मैच हो, भारत को किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जहां तक विकास ने जानकारी दी कि पुणे में जो पिच है वहां की, वो बैटिंग पिच है, बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है, वहां बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, तो ऐसे में एक अच्छी संभावना ये बन सकती है कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो इंडिया टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करे, एक बड़ा स्कोर बांग्लादेश के सामने रखे और फिर उन्हें चेज करने में जो बॉलर्स हैं हमारे वो कहीं ना कहीं काम आएंगे, वो भी अपने कमाल दिखाएंगे। तो कल के मैच से हम सबको ये उम्मीद ज़रूर है और पूरे देश को उम्मीद है कि ना सिर्फ एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा हमारे बल्लेबाजों का, टीम इंडिया का, बल्कि कल भी कामयाबी हासिल होगी टीम इंडिया को और एक बड़ी कामयाबी हासिल होगी। राघवन द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।